एक स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? वो रेगुलर नहीं हो पाता, वो कंसिस्टेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से वो पढ़ा हुआ भूल जाता है, उसको पढ़ने का दोबारा मन नहीं करता और वो बार बार जो टाइम टेबल बनाता है ना उसमें फेल हो जाता है उसको इम्प्लीमेंट करने में। आप में से वे सारे स्टूडेंट जो टॉपर बनना चाहते हैं ना, मेरी बस हमेशा ये बात याद रखना कि तुमको कंसिस्टेंट रहना है, तुमको जो है वो रेगुलर रहना है। देखिए, आपके साथ बहुत सारे स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं, लाखों स्टूडेंट अपनी तैयारी कर रहे हैं और लाखों स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम है। आप एक अकेले नहीं है जिनको घर का काम भी करना है, पढ़ाई भी करनी है और बहुत तरीके की प्रॉब्लम है, सबके पास है। लेकिन उसी में से ये रियलाइजेशन आपके पास होना चाहिए कि भाई उसी में से मुझे टाइम निकालना है और सारी चीज़ों को टाइम देना है, अपनी स्टडी पर भी भरपूर टाइम देना है, घर के कामों को भी करना है और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उनको भी टाइम देके उनको भी सुलझाना है ना। कोई आप स्पेशल नहीं हो जिनको आपको पूरा का पूरा फ्री 24 घंटे का समय मिलेगा, सारे स्टूडेंट्स के पास उतना ही समय है, बस उसी में मैनेज आपको करना है। आप में से मैक्सिमम बच्चे रेगुलर नहीं रह पाते, कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, जिसकी वजह से पता है क्या है, एक फ्लो टूट जाता है। पढ़ाई बच्चों एक फ्लो के कारण होती है, अगर आपने वो फ्लो पकड़ लिया ना तो बहुत दूर तक चले जाओगे, एकदम पानी की धार जैसे। अगर एक पानी नदी बह रही है एक फ्लो के साथ बह रही है तो वो धारा बहुत दूर तक जाती है, बट उसी के फ्लो को अगर तोड़ दिया जाए ना तो वो धारा बहुत दूर तक नहीं जाएगी, बहुत ही कम समय में कम जगह में सिमट के रह जाए। इसी तरीके से बच्चों आपको एक फ्लो बनना है, और फ्लो कैसे बनेगा, जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे, रेगुलर रहेंगे। तो मान लीजिए आपने पहले चैप्टर को पढ़ा, उसके बाद कल उसी चैप्टर का रिवीजन किया, दूसरा चैप्टर पढ़ा, फिर अगले दिन दूसरे चैप्टर का रिवीजन किया, तीसरा चैप्टर पढ़ा, तो इस तरीके से एक फ्लो बना रहेगा कि आप पिछले चैप्टर की रिवीजन भी कर पा रहे हैं, नया चैप्टर पढ़ भी पा रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि आपने आज एक चैप्टर पढ़ा, फिर 5 दिन 7 दिन आपने पढ़ाई ही नहीं किया, फिर 8वें दिन जब आप पढ़ने जाएंगे तो पहला चैप्टर ही भूल चुका होगा, तो दूसरा चैप्टर क्या स्टार्ट करेंगे। तो फ्लो बहुत ज़रूरी है, और फ्लो आती है कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी से। ये दोनों मेंटेन रखिए, आप बहुत आगे जाएंगे। हमेशा एक चीज़ याद रखना स्टूडेंट, कि जब से आप पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तब से अगर आपने अभी तक, जब तक आपने पूरा टाइम जो है वो बर्बाद करते जा रहे हैं, अभी तक अगर आपने 2-2 घंटे या 3-3 घंटे भी पढ़ाई कर ली होती तो आज सीन कुछ और होता। सोचिए ज़रा, आप जुलाई से या अप्रैल से पढ़ना चाहते हैं ना, और बार बार फ्लो आपका टूट रहा है। ज़रा इमेजिन करिए, सोचिए कि उस टाइम से बिना फ्लो को तोड़े अगर आप 2 घंटे या 3 घंटे रेगुलर पढ़ते आते तो आज क्या कहानी होती। आज लगभग सारा सिलेबस आपके दिमाग में फिट रहता, आज आपको नोट्स देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आज आपके अंदर एक गजब का सेटिस्फैक्शन रहता, आपके अंदर एक गजब का जो है वो पढ़ाई को लेकर मोटिवेशन रहता। और आज इसी वजह से नहीं है क्योंकि आप रेगुलर नहीं रह रहे, आप कंसिस्टेंट नहीं रह रहे हैं, आप टाइम टेबल तो बना रहे हैं बट उसको फॉलो नहीं कर पा रहे। ये सिर्फ इसी वजह से है क्योंकि न कि आप जो है वो सिर्फ रेगुलरिटी को तोड़ रहे हैं बल्कि कंसिस्टेंसी की भी धज्जियाँ उड़ा रहे हैं आप। मुझसे आज से आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि भैया मैं 2 घंटे ही पढ़ूंगा, 3 घंटे ही पढ़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जीवन में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, बट मैं अपना फ्लो नहीं तोड़ूंगा, मैं डेली जो है वो पढ़ाई करूंगा, रेगुलर रहूंगा, कंसिस्टेंट रहूंगा। क्योंकि ये दोनों चीज़ें अगर आपने मेंटेन कर ली स्टूडेंट, तो फ्लो ऐसा ज़बरदस्त पकड़ में आएगा ना आपके कि आप जो है वो फाड़ के रख दोगे अगले 2-3 महीने में। देखो, नया साल आने वाला है स्टूडेंट, और नया साल नई एनर्जी, नया उत्साह और नए सपने आपके लिए लेके आता है, नई उमंग आपके लिए लेके आता है। तो अभी मुझसे ये प्रॉमिस करिए कि आने वाला पूरा नवंबर और दिसंबर आप पूरा जान झोंकने वाले हैं, कि इन 2 महीनों में अगर आपने फ्लो पकड़ लिया और उस फ्लो के साथ पूरी स्पीड के साथ पढ़ाई करनी शुरू कर दी तो ये 2 महीने गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। तो प्रॉमिस करिए कमेंट सेक्शन में कि सर आज से ही मैं ये दोनों फ्लो पकड़ने वाला हूँ, कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी मेंटेन करके डेली पढ़ने वाला हूँ, और इस तरीके से पढ़ने वाला हूँ कि नए साल में 1 जनवरी को अपने आप को मैं शाबाशी दूंगा और अपने आप के परफॉर्मेंस को देख के मैं हमेशा खुश रहूँगा। ये चीज़ अगर आपने पकड़ी, देखिए लास्ट के 2 महीने आपको मेहनत करने हैं, आपके सामने दिख रहा है। आप ये मत सोचिए कि आपका एग्ज़ाम बच्चों जो है फरवरी में है या आपका एग्ज़ाम जो है वो मार्च में है, आप ये सोचिए कि आपका एग्ज़ाम 1 जनवरी को है।
एक महीने पहले या दो महीने पहले ही इस डेट को निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम की डेट को निर्धारित कर लेते हैं ना, तो हम पूरा जान झोंक देते हैं। तो ऐसा मानिए कि 1 जनवरी को, 1 जनवरी को आपका पेपर है, और उस अकॉर्डिंग पूरा जान झोंक दीजिए, पूरी मेहनत करिए ज़बरदस्त। ये मेहनत रंग लाएगी, और ये जो की गई मेहनत है ये आपको गजब का कॉन्फिडेंस देगी, और वही कॉन्फिडेंस आपको अपने आप को निखारने में मदद कराएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।